नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अभी तक तकरीबन 300 लड़कियों की खरीद फरोख्त कर चुके एक शख्स ने अपनी बहू का भी सौदा कर डाला और गुजरात से आए 8 लोगों के एक दल से 80,000 रुपए में बहू का सौदा कर एडवांस में डील की पूरी रकम भी ले ली। फिलहाल युवती को खरीदने वाले सभी 8 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने युवती को उसके पति के सुपुत्र कर दिया है। मामला गाजियाबाद के रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मल्लापुर का है। यहां रहने वाले चंद राम वर्मा का बेटा प्रिंस वर्मा टैक्सी चलाता है। बताया जा रहा है कि 2016 में प्रिंस की एक चैटिंग ऐप के जरिए असम की रहने वाली एक युवती से दोस्ती हो गई, जो प्यार में बदलते हुए शादी तक जा पहुंची। 2019 में इन दोनों ने लखनऊ के एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। प्रिंस अपनी पत्नी को गाजियाबाद ले आया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि प्रिंस के पिता की गांव के ही एक आदमी रामू गौतम से दोस्ती थी, जो गुजरात में काम करता था। रामू जब गांव आया तो उसने चंद राम वर्मा को बताया कि गुजरात के ही रहने वाले उसके एक परिचित साहिल पंचा की शादी नहीं हो रही है, अगर उसे कोई लड़की मिल जाए तो वो मोटी रकम देने के लिए तैयार है। इस पर चंद्राम वर्मा ने अपनी बहू को बेच देने की बात कही। चंद्राम ने अपनी तबीयत खराब होने की बात कहकर बहू को गाजियाबाद से बुला लिया। 4 जून को बहू चंद्राम के गांव मल्लापुर आ गई। चंद्राम ने बहू के सौदे में मिले 80,000 रुपयों में से 60,000 रुपये खुद रख लिए और 20,000 रुपये बैंक में डलवा दिए। इसी बीच युवती को पति घर आ गया तो चंद्राम ने उसके सामने ही गुजरात से आए लोगों के साथ अपनी बहू को ये कहते हुए भिजवा दिया कि ये लोग उसे गाजियाबाद छोड़ देंगे। बाद में बेटे को संदेह हुआ तो उसने पुलिस को फोन कर सारी बात बताई। युवती के पति ने पुलिस को बताया कि उसके पिता हत्या के एक मामले में आरोपी हैं। उसकी मां को भी उसके पिता ने पीट पीट कर मार डाला था। इसके अलावा इस आदमी ने अपनी बेटी के साथ भी बदनीयत की थी। पुलिस को पता चला कि चंद्राम अभी तक तकरीबन 300 युवतियों का सौदा कर चुका है। फिलहाल पुलिस बिचौलिया रामू गौतम और चंद्राम वर्मा की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।